से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है, मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज़ियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वादा किया था, आज एक तारीखी फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पनामा मामले का, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि ये 20 साल दसियों साल याद रखा जाएगा, यकीनी तौर पे याद रखा जाएगा। हम आपको बताएं कि क्यों ये ऐसा ही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 56 दिन बाद पनामा केस का 540 सफात पर मुश्तमिल महफूज फैसला सुना दिया, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये फैसला सुनने के बाद, ये फैसला आने के बाद, एक जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने, हुकूमत ने खुशियां मनाई, इसे अपनी फतह करार दिया, तो सबसे दिलचस्प बात है कि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने इसे अपनी फतह करार दी, अपनी खुशियां इसमें मनाई। एक जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत के लोग मिठाई बांट रहे थे, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ और इमरान खान मिठाइयां खा रहे थे। किसे तवक्को थी इस फैसले की? ऐसा तारीखी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि जिस पे दोनों फरीकैन खुशी का इजहार करेंगे। हमें नहीं पता कि पाकिस्तान की तारीख में इससे कबल कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक ऐसा फैसला आया हो जिसमें के कंप्लेनेंट भी खुश है और जिसमें वो भी खुश है जिसके खिलाफ ये कंप्लेन की गई थी। दोनों फरीकैन इसमें खुश नजर आते हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यह फैसला मुत्तफिक फैसला नहीं है, मुनकसिम फैसला है। वो सामान जिसने के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और जनाब इमरान खान को शादमान कर दिया, वो 5 रुकनी बेंच, लार्जर बेंच के सरबरा जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद का फैसला है, जिसमें के इन दोनों जज साहिबान ने वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ को नाअहल करार देने की सिफारिश कर दी, उन्हें कौमी असम्बली का रुकन ना रखने की सिफारिश कर दी। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि वजीर आजम और उनके खानदान ने जो इल्जामात उन पर लगे हैं उसका जो जवाब दिया है वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि इन दो जज साहिबान ने अपनी ये ऑब्जर्वेशन दी, जिसने खुशियों की एक बरसात कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और वो खुशी से और फूले से नहीं समा रही। लेकिन पाकिस्तान की हुक्मरान जमात, हुकूमत, वजीर आजम नवाज शरीफ और हुकूमती तमाम लोग इंतहाई खुश है, क्योंकि आज दरअसल इस फैसले के जो अक्सरियती अराकीन है, 3 जज साहिबान जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस शेख अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल हसन ने फरमाया कि इस मामले की तहकीकात का होनी चाहिए, इसके लिए मुश्तरका तहकीकती टीम बनाने का फैसला किया गया, जिससे दूसरे दो जज साहिबान ने भी एक्सेप्ट किया, और इस तरह से मुस्लिम लीग नून के लिए ऐलान फतह का मौका सामने आया। क्योंकि दरअसल फैसला तो बहरहाल वो है जो कि अक्सरियत ने दिया, गोया के तारीखी फैसला, हर लिहाज से तारीखी फैसला। मुस्लिम लीग नून भी खुश, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी खुश, शेख रशीद भी खुश और दूसरे लोग भी खुश, सब खुश। लेकिन क्या वाकई इसका कोई दरअसल आखिरी नतीजा निकलेगा या नहीं? लेकिन जश्न तो इब्तदा से ही मनाया गया, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वफाकी काबीना के कलीदी रुकन फौरन ही सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकले और उन्होंने इत्तला दी, नवीद सुनाई। आज जो अल्लाह ताला की जात ने हमें सुरखुरु किया है अपने दरबार में और पाकिस्तानी आवाम के सामने, हम शुक्रगुजार हैं। यहाँ नवाज शरीफ 2018 के इलेक्शन तक वजीर आजम है और उसके बाद फिर 5 साल के लिए वजीर आजम है। जो पाकिस्तान के आवाम की मेहनत की ताकत से मुंतखब हुए वजीर आजम को चोर दरवाजे के साथ शबून मार के हटाना चाहते थे, उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। मेजॉरिटी जजमेंट ने पाकिस्तान में जमहूरियत की फतह
पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट को तस्लीम किया। नवाज शरीफ सादिक भी हैं और अमीन भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान अब जलना बंद कर दो, अब रोना बंद कर दो, जाके गो इमरान गो इमरान के वाशगाफ नारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर विफाकी काबीना की क़यादत, विफाकी काबीना के कलीदी अराकीन की क़यादत में, और फिर मंजर मुख्तलिफ नहीं था बनी गाला में, जहां पर तहरीक इंसाफ ने पहले सलाह मशवरा किया, उसके बाद इमरान खान आए। और दिलचस्प बात यह है, इस फैसले को मैं बार बार तारीखी फैसला इसलिए कह रहा हूं कि इसी फैसले को सुनकर जनाब इमरान खान ने तहरीक इंसाफ ने अपनी कामयाबी का ऐलान किया, और इसी फैसले की बुनियाद पर जनाब इमरान खान ने कहा कि दरअसल ये केस है, ये मजबूत आर्ग्यूमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो सीनियर जज साहबान जो कि बकौल उनके आइंदा के चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, इस बेंच के सरबरा और दूसरे सीनियर रुकन ने दरअसल वजीर आजम को नाहिल करार देने की सिफारिश की है, उनके खिलाफ केस साबित हो गया है, वो अब इस्तीफा दें। और इसके लिए जनाब इमरान खान ने इस फैसले की बुनियाद पर इस्तीफा भी मांगा, और खुद वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ का एक खुद उनका बयान याद दिलाया, और उसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि अब आप भी इस्तीफा दे दें। और ये इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जश्न मनाया इस फैसले के हवाले से। हम आज डिमांड करते हैं, और मैं समझता हूं कि इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपके पास कोई इखलाकी जवाब नहीं है। मैं आज डिमांड करता हूँ कि आज फौरी तौर पर आप रिजाइन करें, अगर 60 दिन में आप क्लियर हो जाते हैं तो आप वापस आ जाए। आपने यही यूसुफ रजा गिलानी को कहा था कि आप अपने आप को क्लियर करके फिर वापस आए। ये जो जनाब इमरान खान कह रहे हैं जनाब नवाज शरीफ से कि यही तो आपने यूसुफ रजा गिलानी से कहा था, क्या कहा था जनाब नवाज शरीफ ने यूसुफ रजा गिलानी से? सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी यूसुफ रजा गिलानी को सजा दी है, और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे, और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। भाई अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो, अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उज़्मा के मनसब पे आ जाओगे। लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है, हम इसको हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे, ये इंसानों की बस्ती रहेगी। आज के इस तारीखी फैसले पर, तारीख साज फैसले पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं मोहतरमा मरियम औरंगजेब, विफाकी वजीर मम्लिकत बराए इत्तला नशरियात। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा, फरमाइएगा कि आज ये फैसला आया, फैसला ये है कि वजीर आजम नवाज शरीफ के और ख़ानदान के हवाले से जो इल्ज़ाम है उसके लिए तहकीकती एक टीम बना दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, मगर 5 में से 3 जज साहिबान ये कहते हैं, 2 जज साहिबान ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ द्रोह गोई साबित हुई है, इसलिए वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें। वो कौमी असम्बली के रुकन नहीं हैं, और उनके और उनके अहल खाना ने अदालत को इन 2 जज साहिबान को कम अज़ कम साबित नहीं किया कि उनके खिलाफ इल्ज़ाम गलत हैं। ये मुत्तफ़िका फैसला नहीं है, और एक जज की अक्सरियत से ये फैसला बहरहाल हक में आया है। ये आप लोगों के लिए तशवीश का बाइस है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहबान जिसमें एक जो इस बेंच के सरबरा हैं वो कहते हैं कि दरअसल वजीर आजम ने आईन की शिख 62 की खिलाफ वर्जी की है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो कामरान साहब आपके प्लेटफॉर्म से मैं पूरी आवाम को मुबारकबाद देना चाहूंगी कि आज जिस तरह वजीर आजम एक दफा फिर एहतसाब से पूरे मरहले से गुजर कर सुरखरू हुए हैं, और जो आपने सवाल किया मैं उस पर आना चाहूँगी डायरेक्टली। आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनके ऊपर GIT बनी, ऐसा नहीं है। जो इल्ज़ामात लगाए गए थे झूठे इल्ज़ामात, और जो अर्जी लेकर PTI गई थी जो 7 पॉइंट्स के ऊपर मुश्तमिल थी, उसका इस GIT के स्कोप के अंदर जो सवालात हैं उनमें कहीं भी जिक्र नहीं है। और ये बात मैं क्यों कह रही हूँ कि जो इल्ज़ामात थे उसमें पहला इल्ज़ाम बग़ैर किसी सबूत के ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जाए, उनकी फैमिली को और उनको ECL पे डाला जाए, लूटेड मनी को वापस, ये तो खुद ही ये ख्याल कर लिया गया कि ये सब कुछ सच है और इसके अकॉर्डिंगली इस प्रेयर को इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन जो JIT के सवालात हैं, ये वज़ीर आज़म
कि उस फैसले की तायीद है जो उन्होंने अप्रैल में 22 अप्रैल को मेरे ख्याल में लिखा था लेटर सुप्रीम कोर्ट का, और कौम से जब खिताब किया था तो ये कहा था कि एक JIT बना दी जाए, अगर किसी किस्म की फर्दर इन्वेस्टिगेशन कोई शुबा मौजूद है तो उसको इसके अंदर एड्रेस कर लिया जाएगा और इन्वेस्टिगेट कर लिया जाएगा। आज भी वो JIT बनी, उसका एक स्कोप तायुन किया गया है और उसके अंदर जो सवालात, मगर इसके अंदर डिफ्रेंसीशन ये रहे कि इसमें जो प्रेयर है इमरान खान साहब की और शेख रशीद साहब की और सिराजुल हक साहब की, उससे JIT के स्कोप के सवालात जो हैं आपस में किसी तरह भी मैडम ये बात तो बिल्कुल सही है आपने जो फरमाया, लेकिन इस वक्त जो मामला है वो अहम बात ये है कि इन पांच में से दो जज साहिबान ये कहते हैं कि वजीर आजम ने आइन की शेख 62 की खिलाफ वर्जी की है, उनके और उनके अहले खाना के जवाबात उनके असासों के हवाले से, तमाम मामलात के हवाले से तसल्ली बख्श नहीं है। तीन पांच में से दो जज साहिबान का ये ऑब्जर्व करना, ये फैसला करना, ये तो एक है ना कि 100% आपकी स्टोरी क्रेडिबल नहीं मानी गई है। मैं आपकी बिल्कुल जी उस बात पर आ रही थी, आपने पहले खुद ही बीच में फिर बात कर दी, मैं उसी बात पर आ रही थी कि जो दो हजरात हैं उन्होंने, आपने खुद कहा कि उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी और बिल्कुल दी, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी व्यू है तीन फाजिल जजों का वो इसके बरक्स है। और जो चीज़ें मैं क्यों कह रही हूँ ये बात, और इस चीज़ को JIT के स्कोप के अंदर इसका तायुन किया गया है, और ख़ास तौर पर यह बात की गई है कि जो एविडेंस शरीफ फैमिली ने जमा कराए हैं, उन्होंने वो तमाम इल्जामात मुस्तरद करते हुए, वो तमाम कागज़ के और रद्दी के कागज़ मुस्तरद करते हुए जो एविडेंस शरीफ फैमिली ने जमा कराए हैं, अगर उसके अंदर, क्योंकि ये ट्रायल कोर्ट नहीं थी, ये एविडेंस रिकॉर्ड नहीं कर रही थी, तो उसके अंदर अगर कोई गैप्स हैं उनको फिल करने के लिए वो सवालात उठाएं और इंशाल्लाह उनको आंसर किया जाएगा और JIT को असिस्ट किया जाएगा। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि अब सारा मामला है JIT है, वो तमाम ऑफिशियल्स जो कि आपकी गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं, डार साहब को रिपोर्ट करते हैं, अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, कैसे आप इंश्योर करेंगी कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, प्रोफेशनल हो, और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के हवाले से और जो उनके सामने एक 12-14 बड़े क्रिटिकल क्वेश्चन रख दिए गए हैं कि वो आजादाना उसकी तहकीकत करें, ये कैसे आप इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि हर आदमी उसको कहे भी कि हाँ वाकई ये आजाद काम कर रही है। JIT की जो आपने बात की है वो बिल्कुल इसी तरह है कि जो JIT के ऊपर एक कमीशन की रिकमेंडेशन दी है कोर्ट ऑर्डर के अंदर, और वो इसको मॉनिटर करेगा इसलिए इम्प्लीमेंटेशन को, और 2 वीक्स के बाद इनको रिपोर्ट करेगा। और अगर आप ये देखें तो मेरे ख्याल में ये जमहूरियत का वो तसलसल है कि जहाँ इदारे मुस्तहकम हो रहे हैं और हर महजब और जमहूरी हकूमत में वज़ीर आज़म और इस तरह की अगर कोई भी केस आ जाए तो वो इस तरह की JITs के सामने पेश होते आए हैं। और ये भी एग्जांपल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज सेट की है कि वो JIT जो बनाई सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर उसके आगे पेश होंगे। ये भी मेरे ख्याल में एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड काम होगा और इंशाल्लाह होगा, और इसमें किसी किस्म का अभाव नहीं होना चाहिए। JIT को बिल्कुल असिस्ट किया जाएगा पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा मरियम औरंगजेब, वफाकी वज़ीर मुमलिकत इत्तला'आत व नशरियात हमारे साथ मौजूद थी। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हिज़्बे इख्तिलाफ़ की जानिब से शेख रशीद ने तो ये कहा था कि आज जब फैसला आएगा तो या तो नून का जनाजा निकलेगा या कानून का। हम उन्हीं से पूछ लेते हैं थोड़े से वक्फे के बाद कि उनके बकौल आज किसका जनाजा निकला है। वेलकम बैक, जैसा कि आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज के फैसले ने पाकिस्तान की सियासत का रुख, उसका तायुन किया है, और पाकिस्तान की बाज़ हकीकतें जो कि तारीखी हकीकतें हैं उनमें कोई तब्दीली नहीं आई है, उसकी भी कॉन्फर्मेशन आई है। और इसी अंदाज में जैसा कि ख्याल किया जा रहा था कि ये सिलसिला जनाब नवाज शरीफ की हुकूमत चलती रहेगी, वो आज साबित हो गया है। कम अज़ कम इस फैसले से ऐसा नहीं हुआ कि वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ को अपना ओहदा छोड़ना पड़े। इस फैसले से पहले पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने, ख़ास तौर पर वो सियासी जमातें और वो सियासी रहनुमा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस में पहुँचे थे, ख़ास तौर पर कंप्लेनेंट्स, उसमें जनाब इमरान खान, जनाब शेख रशीद अहमद और जनाब सिराजुल हक शामिल थे, वो बारहा कहते रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो भी फैसला आएगा वो दिल से कबूल होगा और मिनवान उसको तस्लीम किया जाएगा। जनाब इमरान खान ने आज इसकी तस्दीक की और इस फैसले को मिनवान तस्लीम किया है। क्या जनाब शेख रशीद अहमद भी इसको दिल से कबूल करते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा, पाकिस्तान के जहां दीदा सियासतदान
मोहतरम शेख रशीद अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, बहुत तसल्ली हो गई। आपने हमारे भी प्रोग्राम में हर दफ़ा आप हर जगह कहते थे कि दिल से पूरी कुव्वत से हर लिहाज से फैसले को तस्लीम करेंगे, तो बिल्कुल ऐसे ही है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, कबूल है फैसला, कबूल है, कबूल है। ऑफ कोर्स कोई ऑप्शन नहीं है, और ख्याल ये था कि जिस तरह दो तीन उधर है, तीन दो इधर होना चाहिए था, लेकिन जो भी हुआ जीआईटी बनी है, इसमें शरीक होंगे। और पाकिस्तान की सियासत जो हम कहते थे क्लीन चिट तो नहीं मिलेगी, लेकिन और कन्फ्यूजन हो गया। आज तीन पार्टियों ने वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा डिमांड कर दिया, हम भी इसके साथ शामिल हैं कि दो सीनियर जजेस जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं और जिनके मुकाबले में तीन जूनियर जजेस ने बात तो कोई वैसी ही की है, लेकिन उन्होंने उनको सफाई का मौका दिया है कि वो पेश हो के क्रिमिनल चार्जेस हैं उसमें अपने आप को सफाई दें। लेकिन जिस मुल्क का वज़ीर आज़म किसी ब्रिगेडियर और ब्रिगेडियर आईएसआई या कर्नल आईएसआई और एमआई के किसी कर्नल के सामने और एफआईए के सामने पेश होगा, उसके बच्चे पेश होंगे, मैं तो समझता हूँ कि एक इतना इतना सियासत में हलचल उनको शायद डिस्क्वालिफिकेशन शेख साहब ये फैसले में कहा है, बेटों के हवाले से जरूर कहा है फैसले ने कि वो जरूर पेश हो, लेकिन अगर वजीर आजम की इस कमेटी को जरूरत होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी, सुप्रीम कोर्ट उसको जांचेगी और फिर वो फैसला देगी कि वजीर आजम इस कमेटी के सामने पेश होना हो। लेकिन आप वाकई समझते हैं कि वो कमेटी जिसे एफआईए के एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल लीड कर रहे होंगे, जिसमें एससीसी का नुमाइंदा होगा, जिसमें स्टेट बैंक का नुमाइंदा होगा, दूसरे हुकूमती इदारों के नुमाइंदे होंगे, वो वाकई इस हद तक जाएंगे? इतनी आज़ाद और इतनी बाकुवत हमारी ब्यूरोक्रेसी आपके ख्याल में आज अचानक हो गई है? बाज़ दफ़ा तारीख ये बताती है कि बाज़ लोग स्टैंड ले लेते हैं, और जिन अदारों के सरबराहों को कहा जाएगा, मैं एफआईए का या स्टेट बैंक का तो नहीं कह सकता कि सईद साहब जो खुद मनी लॉन्ड्रिंग में स्टेट बैंक के या रहे हैं वो उस पर अब तो नहीं है स्टेट बैंक में, लेकिन बड़े अदारे जो हैं इंटेलिजेंस के और एमआई के वो उसका एक मामूर देखें। अब पनामा में तो फैसला आया, डॉन लीक्स का क्या बना, वो एग्री हो गए हैं कि फातमी साहब और परवेज़ रशीद साहब और राव तहसीन साहब, कितने दिन लग गए इनके जाते जाते, और चौथे एक और मगर शेख साहब जीआईटी तो और कमीशन और कमिटीज ये बनना, इनके फैसले आना आपसे ज्यादा कौन जानता है? अभी हालिया दिनों में, ये तो अभी की बात है, ये मॉडल टाउन की जीआईटी बनी थी, इसमें तमाम लोग थे, ये आपको क्यों एकदम ये एहसास हो रहा है कि ये जीआईटी बड़ी कोई मुख्तलिफ जीआईटी होगी, ये इसी सेटअप की ये जीआईटी जो है ये कोई पाकिस्तान के तारीख का रुख मोड़ देगी, ये आप क्यों इस खुश ख्याली में है? मैं खुश ख्याली में नहीं हूं, मैं दयानतदारी से समझता हूं कि जितनी बड़ी लोगों की ख्वाहिश है पनामा लीक्स के फैसले में, और जितना प्रेशर है, और जितने जजेस जिस हद तक ये खुद पांच के पांच जा चुके हैं, मैं इस जीआईटी को मुतर्रक होता देखता हूं, और इन पांच जजेस का इत्तफाक राय है कि ये मनी ट्रेल नहीं बता सके, ये पैसों के मामलात नहीं बता सके, और कतरी खत के बारे में एक वाज सूरत हाल है। मुझे समझ नहीं आ रही ये दो तीन क्यों हुए, ये तीन दो भी हो जाते तो आज काम ठीक ही था। एक जज साहब ने जिस तरह बहुत कुछ लिखा और आखिर में जाके उनको चांस दे दिया 60 दिन का, मेरे ख्याल में केस अभी तक जो है वो वाजे नहीं हुआ, और नवाज शरीफ साहब दलदल में उतने ही फंसे हैं जितना आज से पहले, आज 2 बजे से पहले। मगर शेख साहब ये तो प्रेडिक्शंस देखे ना 2014 से हो रही हैं, आप खुद उसमें शरीक रहे, माफ कीजिएगा, हर ये ईद, ये बकरीद, ये महीने, ये 30 दिन, ये 60 दिन, ये अब गया, ये अब गया, अब रह गए कुछ 6-8 महीने, अभी भी आप समझ रहे हैं 2018 के इलेक्शन से पहले ये हुकूमत चली जाएगी कैसे, अभी भी आपके ख्याल में कोई आपके जहन में है? मैं 2017 को सब कुछ समझता हूं। कामरान साहब आप पाकिस्तान के चोटी के लोगों में से हैं जिनके एक्सपीरियंस के आगे मेरी कोई मजाल नहीं है, लेकिन मैं अभी भी समझता हूं कि अभी बात जो है वो उस तरह नहीं सेटल हुई जिस तरह लोग समझ रहे हैं, और मसाइल ज़्यादा मुल्क में और पाकिस्तान के इस हालात में 2017 फाइनल है, और दो वो जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने हैं
जिन्होंने मुस्तकबिल में अनकरीब सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, वो एक मुल्क के वजीर आजम को कह रहे हैं कि ये डिसक्वालीफाई है, और एक बंदा बहुत सारी बातें करने के बाद एंड में कहता है कि नहीं इनको पेश होना सर, चाहिए। सर ये बिल्कुल आपकी सही बात है, ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि ये कोई मामूली बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर या जूनियर जज साहिबान जो है, दो जज साहिबान कहते हैं कि मुल्क का वजीर आजम जो है उसने दरोह गोई की है, वो कौमी असम्बली का मेंबर नहीं रह सकता, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकता। लेकिन दरअसल काउंट तो होगा सर, फैसला जो फैसला आया है, एक 100 मीटर की रेस होती है, दो भागते हैं, माइक्रो सेकंड से सामने वाला जीत जाता है, दूसरा पीछे रह जाता है, जीते वही का नाम रहता है ना, जो नंबर टू आता है उसका तो नहीं होता। फैसला तो ये है कि ये अब जेआईटी बनेगी, तहकीकात होगी उस पर, और अभी वजीर आजम के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी नहीं है, ये फैसला तो बहरहाल ये है ना इस वक्त का। फैसला तो यही है कि फोटो फिनिश में एक आदमी ने उसको छूट दी है, लेकिन फैसला ये भी है कि आवाम में एक चीज मुस्तनद हुई है कि ये कतरी खत बिल्कुल अफसाना निगारी है, और ये गॉड फादर से शुरू हुए हैं पांचों के पांचों, कि ये गॉड फादर की जो यहाँ पे इन्होंने तसी को इस्तेमाल किया है, और मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब की सियासी पोजीशन कोई अगर ये समझते हैं, वो जीत के भी हारे हैं और लोग हार के भी जीते हैं। अच्छा, मगर एक बड़ी दिलचस्प बात है शेख साहब, अब अभी भी आप समझते हैं कि ये कमेटी FIA की, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन की, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, IB की, ये सारी जो ये कमेटी है, ये बिल्कुल आजादाना जो है वो तहकीकात करेगी, और फिर इसके पास इतनी सख्त, इतनी कुव्वत, इतनी सलाहियत होगी कि ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टिगेशन जो कि पूरी दुनिया में होनी है, बहुत सारे ममालिक में इसकी मालूमात, अगर हकीकत जाननी है तो जाना होगा, आप फिर भी समझते हैं कि ये भरपूर आजादाना काम करेगी? बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपका इदारों पर इतना कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो गया, और वो इदारे जो कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ ये भी जीत जाएगा, मैं मान लेता हूं कि इस कमेटी में कोई दमखम नहीं होगा, और ये बेजान और लेकिन इतना मलबा नवाज शरीफ के ऊपर 60 दिनों में पड़ जाएगा, और जो चैनल पिछले 126 दिन नहीं और 50 दिन और लगा लें, 175 दिनों में नवाज शरीफ। आज रावलपिंडी की मैं सूरत हाल आपको बताता हूँ कि वहाँ कोई आदमी ये तवक्के नहीं कर रहा था कि नवाज शरीफ बच जाएगा, बल्कि तमाम तर हुकूमत सरकार की कोशिश के बावजूद जो उन्होंने रैलियाँ निकालनी थी वो नहीं निकल सकी, क्योंकि लोग आज नवाज शरीफ के साथ नहीं हैं। तो आज वैसे शेख साहब आपकी एक प्रेडिक्शन थी कि आज के फैसले में नून का या कानून का जनाजा निकल जाएगा, आपके ख्याल में क्या आज नून का जनाजा निकल गया, या खुदा ना खास्ता कानून का जनाजा निकल गया, या दोनों में से किसी का निकला, या दोनों का निकल गया? मेरे ख्याल में अभी जनाजा निकलने की फैक्स मशीन में से लोड शेडिंग हो गई है, दोनों फैसले 50-50 प्रोग्राम है, और ना कानून का जनाजा निकला है ना नून का जनाजा निकला है, दोनों अपने आप को समझ रहे हैं कि अभी फैसला फंसा हुआ है, मशीन को देख रहे हैं वो क्या डिलीवर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शेख साहब। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम जारी रहेगा। कामरान खान के साथ आपने देखा कि दोनों शादमान हैं, PTI भी खुश है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी खुश है, हुकूमत भी खुश है, और हिजब इख्तलाफ भी खुश है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तारीखी फैसला, और हर फरीक इसको अपनी कामयाबी करार दे रहा है, इसीलिए ये कहा गया था कि ये दसियों साल याद रखने वाला फैसला होगा, मगर इसका नतीजा क्या निकलेगा ये देखना बहुत ज़रूरी है। एक प्रोग्राम की इब्तदा में हमने आपको बताया खुशियाँ क्या हैं, ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, जो कि अब उसका फोकस मेवर है वो कमेटी जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो फॉर्म की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और उस हवाले से ये क्या कर पाएगी ये जानना बहुत जरूरी है। ये बात किसी भी पाकिस्तानी के लिए शक पैदा करने की काफी है कि क्या
कोई सरकारी कमेटी हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत तो क्या वजीर आजम के खिलाफ कोई ऐसी तहकीकात करेगी जो कि उस वजीर आजम को रुख्सत करने का बाइस बन जाए? ये पाकिस्तानियों का बुनियादी सवाल है। यह भी देखना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके लिए जो मेंबर्स तजवीज किए हैं वो तमाम के तमाम वो मेंबर्स हैं, वो इदारे हैं जो बराहे रास्त कलीदी हुकूमती वज़रा को जवाब दे हैं, और जिस अंदाज से हुकूमती काम चलते हैं, कोई भी हुकूमत हो, किसी भी एक ब्यूरोक्रेट के लिए इस किस्म की तहकीकात करना ये एक बहुत ही कलीदी सवाल होगा। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको दिए हैं 60 रोज। 60 रोज में इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हफ्ते इतवार को निकाल दें तो 44 रोज रह जाएंगे, और यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है जानने की कि इसमें रमजान भी आएगा, इसमें ईद भी आएगी, और इस इन दिनों में भी क्या इसी अंदाज से कमेटी काम कर सकेगी या नहीं, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको 12 मामला दे दिए हैं। 12 केसेस है जिसमें तमाम की तमाम तहकीकात पाकिस्तान से बाहर होनी है, ऑफशोर कंपनीज के हवाले से मालूमात को खंगालना है, मशरिक वस्ता के ममालिक में इन्वेस्टिगेशन करनी है, फॉरेंसिक इसके लिए ऑडिट करने की जरूरत होगी, और बला की इसमें महारत की जरूरत होगी, बैन अलावामी माहरीन की जरूरत होगी। ये सब कुछ क्या मुश्किल से 6-8 हफ्ते के अंदर ये कमेटी कर पाएगी या नहीं, ये सवाल जो है ये अभी इसका जवाब नहीं मिल रहा। और फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ये भी है कि ये जो कमेटी होगी इसकी फाइंडिंग के हवाले से फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या होगा, और फिर जो रिस्पोंडेंट है उनके वकला इस मामले में क्या राय कायम करेंगे, ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है, जो प्रोग्राम में हम अभी आगे चल के एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर इस कमेटी का बनेगा क्या, निकलेगा क्या, और ये हिमालयाई टारगेट जो इस कमेटी के सामने है क्या वाकई ये इस टारगेट को अचीव कर लेगी। इंपॉर्टेंट बात सबसे ज्यादा यह है कि सब खुश है इस फैसले के हवाले से, और खास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो, हुकूमत ने तो आज यौम तशक्कुर कल मनाने का ऐलान भी कर दिया है, मगर दिलचस्प बात यह है कि पीटीआई भी यौम तशक्कुर मनाएगी इस हवाले से, और उसने कहा है कि वो वाकई वो ये केस जीत गई, और वो मंजर देखने से ताल्लुक थे जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया, जब एक जानेब विफाकी काबीरा के वज़रा अपनी फतह का ऐलान कर रहे थे, और जो पीटीआई वालों का रद्द अमल था वो तो दीदनी था। दीन ने कहा और तहकीकात कर लो, ये सब झूठ का पलंदा है। सर वो जिंदाबाद नवाज शरीफ के नारे लगा रहे हैं। लगाने दो, लगाने दो, वो जाने उनका काम जाने, जा चुके नवाज शरीफ, जा चुके नवाज शरीफ, किस्सा खत्म हुआ, अभी झाड़ू फिर गई है, अभी भी आप करप्ट लोगों के ऊपर झाड़ू फिर गई है, अभी भी आप पूरी उम्मीद है कि नवाज शरीफ हो गया, पूरी नहीं, जजेस ने कह दिया कि जाओ, और तीन ने कहा कि जाए, क्या क्या बेइज्जती नहीं हुई है हर मोमेंट फॉर द लास्ट वन ईयर। सर जेआईटी में जो लोग हैं वो तो इन्हीं कर रहे हैं। इज गॉन, इज गॉन, इज गॉन। ये रद्द अमल है जनाब नईम बुखारी जो कि केस लड़ रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये उन्होंने कहा ही इज़ गॉन, ही इज़ गॉन, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इज़ गॉन, तो ये रद्द अमल था। देखें किस कदर पीटीआई खुश थी, मगर दिलचस्प बात यह है कि आज एक इंटरप्रिटेशन इस फैसले की और इन तमाम मामलात की पीटीआई ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने, और एक जानिब किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो दरअसल पार्लियामेंट की सबसे बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाद, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज इसके लिए बड़ी नशिस्त रखी थी। जनाब आसिफ अली जरदारी ने खुद इसको प्रेजाइड किया, बिलावल भुट्टो जरदारी उनके दाएँ हाथ में बैठे, और तमाम चीज़ों का थ्रेड बेड जायजा लेने के बाद उन्होंने कहा दरअसल ये तो धोखा हो गया, ये तो वही फैसला है जो कि हमेशा मुस्लिम लीग नून के हक में आता है, और ये बड़ा तजाद आ गया है हिजब इख्तलाफ में। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि बेहतरीन जबरदस्त फैसला आ गया, दूसरी जानिब जनाब आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि बिल्कुल सही फैसला नहीं आया, अवाम के साथ धोखा हुआ है। इस तरह से हिजब इख्तलाफ इस मामले में बुरी तरह से तकसीम हो गई है, समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा फैसला आया है या बुरा फैसला आया है। इमरान खान तो कहते हैं कि जबरदस्त फैसला, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सारी कौम की तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये तारीख बनी है पाकिस्तान में कि कभी भी एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, उसकी जो तकरीबन 3 महीने जो केस सुना और उसके बाद जो आज जजमेंट आई है, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसी जजमेंट नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ जो ट्रायल ही हुई है, ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग ही हुई है, उसी में तारीख बन गई है, और ये जो मजीद आज फैसला आ गया है, अब ये जो बकायदा जेआईटी बनेगी और जो दो जजेस कह बैठे हैं,
मैं नहीं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। 9 महीने का साल का जो मजाक होता रहा है इस कौम से, उसको कंडेम करता हूँ। इस जस्टिस और इस जजमेंट को भी कंडेम करता हूँ। आज पाकिस्तान में जमहूरियत का नुकसान हुआ है, जमहूरियत को नुकसान हुआ है, जस्टिस को नुकसान हुआ है। जो नहीं होना चाहिए था, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आवाम को धोखा दिया गया है, आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया है और आवाम के साथ एक बहुत सख्त मजाक किया जाए। है ना जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन। एक ही फैसला है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है हिजबे इख्तलाफ की दो सियासी जमातें कर रही हैं, एक जाने पीटीआई जनाब इमरान खान, दूसरी जाने पीपल्स पार्टी जनाब आसिफ अली जरदारी। और इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात है, बहुत ही अहम बात है कि इमरान खान न सिर्फ इस जज्बे को सराह रहे हैं बल्कि उनको इस बात का भी एतमाद है कि जो कमेटी बनाई है, जो टीम बनाई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि सरकारी अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी है, वो समझते हैं कि ये बेहतरीन रिजल्ट भी देगी, ये एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल काम भी कर लेगी, वो डिलीवर भी कर लेगी। जनाब आसिफ अली जरदारी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो बेवकूफ़ बन गए आप, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है पाकिस्तान में कभी ऐसा हो जाए। इसमें भी बड़ी ज़बरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों की, देख लीजिए इमरान खान जरदारी साहब। जो फैसला आया GIT बनाने का फैसला आया, मुत्तफिक 5 जजेस का फैसला, इसका मतलब कि जो भी इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि सोर्स ऑफ इनकम और मनी ट्रेल, वो मुस्तरद कर दी गई। मजीद प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, अब GIT बनेगी और इन्वेस्टिगेशन होगी, अब और चीज़ें खुलेंगी। और ये कि अब जो प्राइम मिनिस्टर की मजीद और तलाशी ली जाएगी, ये जो 60 दिन है इसमें तो अब और तलाशी ली जाएगी, वो जो कि अदालत में नहीं हो सकी, और प्राइम मिनिस्टर को पेश होना पड़ेगा GIT के सामने, उनको और उनकी फैमिली को पेश होना पड़ेगा। मजाक ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो ना कर सकी, वो क्या PM के मुतहत उनके नीचे 19 ग्रेड के अफसर लगे हुए हैं, वो क्या वो फैसला करेंगे, क्या वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और वो इस PM को नाहिल करेंगे या उनका बयान लेंगे, PM हाउस में जाके लेंगे या थाने में लेंगे, इस बात का फैसला करना है और अवाम ने करना है, कौम ने करना है। और जनाब आसिफ अली जरदारी अपने दलाइल की बुनियाद पर कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, बचपना करते हैं, और इस हवाले से उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, वो कहते हैं इमरान खान को समझ भी नहीं आया कि क्या हो गया। इमरान खान को भी मैं ये कहता हूँ कि खान साहब, आपसे हमने कहा था कि आप हमारे साथ आए, हमारे साथ मिलें और हम पहले लेजिस्लेशन करें और उस लेजिस्लेशन को लेके हम सुप्रीम कोर्ट जाएं। उन्हें हमारी बात नहीं मानी, वो भी ना तजुर्बार सियासतदान है, उनको नहीं पता, ना वो कभी जेल गए, ना कभी उन्हें FIR में किसी का अपना बयान लिखाया है, ना उनको पता है कि जस्टिस यहाँ किस तरह चलते हैं और जज यहाँ कैसे जस्टिस चलाते हैं, इसलिए वो नहीं आ सके, नहीं समझ सके। मैं समझता हूँ कि उनने अपनी शोहरत, अपनी सियासत चमकाने के लिए एक ड्रामा किया जिससे मियाँ साहब को फ़ायदा हुआ। ये पूरा एक ड्रामा किया इमरान खान ने, यह है जनाब आसिफ अली जरदारी का ऑब्जर्वेशन इस फैसले के हवाले से, तारीखी फैसला हर लिहाज से, और इस फैसले के अंदर भी ऐसी ऐसी बेहतरीन चीज़ें हैं जिससे कि आपको अंदाज़ा हो सकता है कि दरअसल खुद बेचारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पूरे मामले में किस मखमसे का शिकार थी, और इस मखमसे का इजहार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस तारीखी जजमेंट की इब्तदाई सतूर में ही हो गया है, जब इब्तदाई तौर पे इसका आगाज़ किया गया है। ये बहुत ही कलीदी इम्पॉर्टेंट बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज का ये फैसला अपने इब्तदा में ही कहता है और जिक्र करता है कि 1969 के मशहूर इटालियन नॉवलिस्ट मारियो पुट्ज़ो की मशहूर नॉवल द गॉड फादर का जिक्र करते हुए कहता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहता है कि इस किताब के सरफहरिस्त सफ़े अव्वल पे लिखा है कि दौलत के हर जखीरे के पीछे जुर्म की दास्तान होती है। गॉड फादर आपके इल्म होगा, एक माफिया डॉन की कहानी है जिस पर शोरा आफाक गॉड फादर मूवी भी बनी, पूरी दुनिया में मूवीज बनी है, लेकिन इससे आगाज़ किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। बहुत ही कलीदी मामला है, आपको दिखाते हैं शाज़िब जिलानी की इस रिपोर्ट में। अजीम कामयाबी का वो राज जिसका आप जवाब ना दे सकें, एक ऐसा जुर्म है जिसे कभी कोई पकड़ ना सका क्योंकि उसका इर्तकाब सलीके से किया गया था, या यूं कहें कि कामयाब वो है जो करप्शन इस तरह करे कि कभी पकड़ा ना जा सके।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जजेस ने लिखा कि ये एक इत्तफाक है कि इस मुकदमे में वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ गैर कानूनी और नाजायज तरीकों से दौलत के इल्जाम की नौयत भी कुछ इसी किस्म की है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए न्यूयॉर्क के अफसानवी इटालियन माफिया और पाकिस्तान के शरीफ खानदान के दरमियान मुमासलत का जिक्र दिलचस्प रहा। फैसला जो भी आया, कम अज कम इससे हमारे फाजिल जज साहिबान के किताबी और फिल्मी जौक की एक झलक इस जजमेंट के जरिए कौम के सामने आई। इसीलिए हमने कहा कि बहुत ही कलीदी इब्तदा है जो कि इस फैसले की हुई है, और वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ के हवाले से बात बहुत अहम है कि दो जज साहिबान ने इसी बेंच में कहा है कि उनके जो जवाबात थे उनके असासों के हवाले से, उनके मामलात के हवाले से, उससे उनकी तसल्ली नहीं हुई है, इसलिए वो समझते हैं कि वो वजीर आजम रहने के अहल नहीं है। कितना नुकसानदेह है जजमेंट का ये हिस्सा, ये हम पूछेंगे वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ के अहले खाना के वकील जनाब सलमान अकरम राजा से एक छोटे से वक्त के बाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना केस तो जीत लिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ऐसा दिया जिस पे वजीर आजम के ओहदे पर कोई जक नहीं पहुंची है, वो इस ओहदे पर कंटिन्यू करेंगे, उन्हें हुकूमत नहीं छोड़नी। मगर इसी फैसले के अंदर एक चीज़ सामने है और वो ये कि वजीर आजम के हवाले से इसी जे बेंच के दो जज साहिबान का जो फैसला है जिसमें वो उनको कह रहे हैं कि वो सादिक और अमीन नहीं है, वजीर आजम रहने के अहल नहीं हैं, वो कौमी असम्बली का मेम्बर नहीं रह सकते। यकीनी तौर पर ये वजीर आजम की साख के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट के दो जज साहिबान का इस फैसले में ये सब कुछ कहना, ये बहुत ही नुकसानदेह अमल है। किसी सूरत से भी ये कोई खुशगवार मौका नहीं है और बाई से तशवीश अमर है जो कि सामने आया है, गो कि इसका बराह रास्त वजीर आजम के ओहदे पर फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी कंटिन्यूटी पर फर्क नहीं पड़ेगा, उनके मुस्तकबिल पर शायद फर्क नहीं पड़ेगा, 2018 तक भी शायद फर्क ना पड़े। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो मौजूदा जज साहिबान का यह फैसला आना, यह महज रिमार्क्स नहीं है, यह फैसले में यह बात लिखी है और बहुत ही उसमें क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है। इस पर बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है पनामा केस में वजीर आजम के अहले खाना के वकील और पाकिस्तान के नामवर कानूनदान जनाब सलमान अकरम राजा से जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राज साहब, फरमाइएगा कि एक वो फैसला होता है जो सुप्रीम कोर्ट के पांच जज साहिबान मुत्तफ़िका तौर पे देते हैं, पूरी एक एक शख्स उसको मानता है, तस्लीम करता है, उस पर कोई चहमो गोइयाँ नहीं होती। एक इस तरह का फैसला होता है 3-2 का फैसला, और पाकिस्तान की तारीख में भुट्टो साहब के केस से लेके अब तक जब ये 3-2 का फैसला आता है, इसका मतलब ये है कि बहुत ही छोटे से फासले से आपने ये केस जीता है, आपकी तसल्ली हुई? देखिए, तसल्ली ज़ाहिर है इस हद तक तो है कि जो अक्सरियती जज साहिबान थे उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया, और हमारा मौक़िफ़ एक खालिस्तन तकनीकी नौइयत का था। वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट चूंकि पाकिस्तान की आला तरीन अदालत है, यहाँ पर ट्रायल नहीं मुनक्किद हो सकती, अगर आप ट्रायल सुप्रीम कोर्ट की सतह पर करेंगे तो फिर अपील कहाँ जाएगी। और इस मौक़िफ़ को बज़ाहिर 3 जज साहिबान ने माना है और उन्होंने कहा मज़ीद तफ्तीश की जाए, और तफ्तीश के बाद एक दूसरा बेंच ये फैसला करेगा क्या करना है, उसके बाद मामलात को अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में भेजना है, इलेक्शन कमीशन में भेजना है। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो आपने फरमाई कि दो जज साहिबान ने अक्सर एक मुख्तलिफ राय कायम की है और आर्टिकल 62-63 के तहत वो ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ एक हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट खुद दे सकती थी। मैं असद एहतराम गुजारिश करूँगा कि ये राय दो जज साहिबान की ज़रूर है, लेकिन हमारे अदालती निज़ाम की जितनी भी आपको इस हवाले से प्रेसिडेंट्स या नज़ायर मिलेंगे माजी के, उनसे ये बात मेल नहीं खाती। लिहाजा अब जब हम इस पर बहस करेंगे वकला जज साहिबान कानून के तालिब इल्म, तो ये मामला और खुल के सामने आएगा कि एक नई जहत हमारी अदालती तारीख में पैदा है। इसमें यही बात है ना कि जो इस साइड की दूसरी तरफ है वो कहते हैं कि जो ये फैसला किया कि एक जीआईटी जिसकी सरबराही जो है वो एफआईए का एडिशनल डायरेक्टर करेगा, और फिर जाहिर है कि एग्जीक्यूटिव है उसके अगेंस्ट वो कैसे रिपोर्ट करेंगे, ये कैसे जज साहब ने सोच लिया, इन 3 जज साहिबान 5-7 जज साहिबान ने की एक आज़ाद तहकीकात करी, ऐसे ही आप कह रहे हैं कि दो, लेकिन बहरहाल 5 में से 2 जज का मुल्क के वजीर आजम के बारे में ये कहना कि वो इन करप्शन के इल्जाम के हवाले से अपने जवाब से अदालत को मुतमईन नहीं कर सके, वो दरोग गोई के मुर्तकिब हुए हैं, वो वजीर आजम के
अहल नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही डैमिंग बात है किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए। सुप्रीम कोर्ट के सही है कि दो जज साहिबान कह रहे हैं जो बेंच के साथ, इसका कोई मदावा है कि या आप समझते हैं कि ठीक है उन्होंने कहा लेकिन, या इस पे कोई आपका कोर्स ऑफ एक्शन है? देखिए, इसका मदावा एक तो अखलाकी और सियासी होगा क्योंकि इन दो जज साहिबान की जो राय है बहुत मोहतरम, लेकिन चूंकि वो कानून की नज़र में अदालती फैसला नहीं है, इसलिए जो इसका अखलाकी एक अगर कोई नुकसान है तो उसका फैसला अवाम करेगी इलेक्शन में। मेरी नज़र में इसका मदावा जो है वो इलेक्शन के ज़रिए होगा, लेकिन जहां तक कानूनी फैसले का ताल्लुक है वो बहरहाल तीन जज साहिबान का फैसला अपनी जगह है। दूसरा मदावा ये हो सकता है कि JIT के सामने जो कुछ भी तफ्तीश होगी, जो कुछ मवाद वो इकट्ठा करेंगे, उसके बाद अगर बात आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती, हतमी फैसला तो वहाँ होगा। वहाँ पर अभी बिल्कुल ये एक इम्कान और एक मैं कहूँगा लाइकलीहुड मौजूद है कि यह मामला अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे और तमाम मामला क्लेरिफिकेशन कीजिए, हमें बताइए, एजुकेट कीजिए कि जब ये JIT कर लेगी जो भी इसको काम करना है या अपनी तहकीकात करेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने अपनी शवाहिद पेश करेगी, उसके बाद फिर आप जो हजरात हैं वकला हजरात, ये मामला आपके सामने होगा और फिर क्या हम कह सकते हैं कि फिर इस मुकदमे की इब्तिदा होगी, क्योंकि वो तो उनकी तहकीकात होगी, फिर आप उसको चैलेंज करेंगे अगर जरूरत हुई और आप उसको कन्फ्रंट करेंगे, फिर मुकदमा चलेगा। तो क्या हम समझ रहे हैं कि जब भी ये तहकीकात मुकम्मल होगी उसके बाद एक नए मुकदमे का अमल होगा या सुप्रीम कोर्ट उस रिपोर्ट की बुनियाद पर अपना फैसला देगी? नहीं, देखिए, जो ये JIT की तहकीकात होंगी या तफ्तीश होगी उसका स्टेटस वही होगा जो किसी भी मुकदमे में तफ्तीशी अफसर की तहकीक का या तफ्तीश का होता है। उसके बाद वो जो बेंच अब कायम किया जाएगा, वो दो मेंबर बेंच भी हो सकता है, तीन मेंबर बेंच भी हो सकता है, वो ये फैसला करेगा कि उन शवाहिद की रोशनी में क्या कोई ऐसा फैसला है जो आइन के आर्टिकल 184(3), 184(3) के तहत दिया जा सके। और उस हवाले से जो तीन जज साहिबान का फैसला है वो हमारे सामने रहेगा कि हतमी बिल्कुल अगर एतराफ़ी नौयत की कोई बात सामने आ जाए तो सिर्फ उसी सूरत में आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत फैसला दिया जा सकता है, वरना नहीं। असर खान केस में भी एतराफ़ की बुनियाद पर हुआ, दोहरी शहरियत के केसों में भी एतराफ़ की बुनियाद पर हुआ, जो कुछ भी हुआ। अगर एतराफ़ी बयान सामने नहीं आते तो फिर मामले को किसी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट या इलेक्शन ट्राइब्यूनल या इलेक्शन कमीशन में भेजना पड़ेगा। 184(3) में सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला बज़ाहिर नहीं कर सकेगी। अच्छा राज साहब, ये भी फरमाइएगा कि आज का जो ये फैसला है इसमें ये भी कहा गया है कि अब ये एक नए बेंच के पास जाएगा, तो चीफ जस्टिस साहब आप कोई, जब ये JIT की रिपोर्ट जो होगी इसके लिए कोई नया बेंच तश्कील दिया जाएगा और उसकी तश्कील नौ होगी और फिर वहां से मामला आगे बढ़ेगा, इज दैट राइट? जी बिल्कुल, यही कहा गया है आज। तो ये गोया बेंच जो है ये अब ये चीफ जस्टिस साहब की सवाबदीद पर है, वो बनाए, और जरूरी है कि ये जो पांच जज साहिबान हैं ये उसमें शामिल हो या ना हो, इसकी कोई कैद है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ जज बेंच हो सकते हैं, क्योंकि इस बेंच का मकसद सिर्फ उस JIT की रिपोर्ट को परखना देखना होगा और ये कि वो तहकीकात तफ्तीश जो है वो सही तरीके से हुई है या नहीं हुई। इस वक्त तो उस बेंच का मकसद सिर्फ यही होगा, उससे आगे फैसला देना बज़ाहिर उस बेंच के इस वक्त इस जजमेंट की रोशनी में दायरा कार में नहीं होगा। अच्छा, लिहाजा एक दो मेंबर बेंच भी बन सकता है और उसमें ये इसके हवाले से आप कोई, आपके पास लीगल कोर्स है कि जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो फैसला दिया है, जो बात कही है जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने, जस्टिस गुलजार अहमद ने, कि आप उसके अगेंस्ट रिव्यू फाइल कर सकते हैं, उसको किसी सूरत से चैलेंज कर सकते हैं, उसको कोई अदालती इस हवाले से कोई आपके पास है रिकोर्स इसका? नहीं, रिकोर्स नहीं है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि रिकोर्स जो है रिव्यू का एक राया अमल होता है, लेकिन वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के हवाले से होते हैं। चूंकि ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है, ये ज़ाती आरा हैं, ज़ाती आरा जिनकी कानूनन कोई वक़्त नहीं है, उनको चैलेंज नहीं किया जाता। तो माइनॉरिटी ओपिनियन, माइनॉरिटी ओपिनियन रहती है, वो मौजूद है, किताबों में रहेगी, लेकिन उसकी कोई हैसियत चूंकि कानूनी तौर पर नहीं है, इसलिए उसके खिलाफ रिव्यू भी नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि रिव्यू फाइल करते हैं फैसले के
के खिलाफ फैसला जो है उसने वजीर आजम पे कोई चार्ज नहीं लगाया है या कोई उनके खिलाफ कोई चीज सादिर नहीं की है, तो ये एक माइनॉरिटी ओपिनियन है जो कि अपनी जगह मौजूद है, लेकिन क्योंकि वो फैसला में ये बात शामिल नहीं है इसलिए इस पर आप नजरसानी नहीं करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सलमान अकरम राजा। जैसा कि आपने सुना सलमान अकरम राजा साहब की बात से भी कि सिर्फ ये कमेटी के नतीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर इसके बाद एक नया अमल शुरू होगा, नया मुकदमा शुरू होगा जो कि आइंदा कई महीनों जा सकता है, शायद एक साल भी चल सकता हो। ये दरअसल इसका कोई नतीजा निकलेगा आज के इस फैसले के नतीजे में हुकूमत की और या वज़ीर आज़म के ओहदे के हवाले से इसके इम्कानात कम हैं, और इस वजह से भी कम है कि कमेटी बनाई गई है और कमेटी कमीशन जब बनते हैं तो उसके बारे में पाकिस्तानियों का तल्ख तजुर्बा है, 70 साल की तारीख कुछ और बताती है, और ये कमेटी कुछ डिलीवर करेगी शायद मुमकिन ना हो। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, बात होगी प्रोग्राम में आगे चल के, मगर इसके बावजूद तहरीक इंसाफ खुश है, इस पर अपना रद्दमल देगी तहरीक इंसाफ और उसके एक छोटी के रहनुमा, हमने एक छोटे से वक्फे के बाद। आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया और इस फैसले के नतीजे में ये बात वाजे हो गई कि फौरी तौर पर वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ के ओहदे के हवाले से, उनके सियासी करियर के हवाले से कोई खतरा नहीं है, हुकूमत को बराह रास्त इस फैसले के नतीजे में कोई फौरी खतरा नहीं है। इस फैसले के आने के बाद सबसे ज़्यादा जिस रद्द अमल का इंतज़ार था वो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उसके सरबरा जनाब इमरान खान का। जनाब इमरान खान पूरी शिद्दत से, पूरी कुव्वत से अपनी पूरी सियासी जमात को लेके इस मुकदमे को इन्होंने पैरवी की थी और यकीनी तौर पे इसका इस मुकदमे के अंजाम में उनको शायद कोई बहुत बड़ी राहत ना मिली हो, लेकिन इस दौरान उन्होंने जो सियासी मोबिलाइजेशन की, जितना उन्होंने मीडिया गैदर किया, जितना अपने आप को एक हिजब इख्तलाफ की मुसलमा सबसे भरपूर शख्सियत की हैसियत से रजिस्टर किया, यकीनी तौर पर वो सियासी तौर पर उनका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया इस पनामा केस की वजह से, और इसी दौरान यकीनी तौर पर उस परसेप्शन को भी उन्होंने क्रिएट किया कि हुक्मरानों में मुबैना करप्शन होती है। ये तमाम वो मामलात हैं जो इमरान खान के फेवर में गए और इसी फैसले के हवाले से वो बारहा ये वादा करते रहे थे कि जब ये फैसला आएगा तो उसे वो हर सूरत में कबूल करेंगे, हर सूरत में उसको वो कबूल करेंगे, और आज जब ये फैसला आ गया तो हमारा ख्याल ये था कि शायद जनाब इमरान खान को अब इफ्स एंड बट्स लगाने पड़ेंगे और शायद इस फैसले पर उन्हें अपनी अदम दिलचस्पी का या अदम एतमाद का इजहार करना पड़ेगा, लेकिन आज खुशगवार हैरत हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले तो फौरी तौर पर किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया, एक भरपूर अंदाज का सलाह मशवरा हुआ बनी गालिया में इमरान खान ने अपने रहनुमाओं के साथ किया, और फिर एक मरबूत और मजबूत रद्द अमल के साथ वो मीडिया के सामने आए जिसमें उन्होंने न सिर्फ इस फैसले को कबूल किया बल्कि उसे एहसन भी करार दिया। ये सब कुछ क्यों हुआ है इसकी मजीद तफसीलात हमें देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चोटी के रहनुमा जनाब जहांगीर खान तरीन। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर तरीन साहब, फरमाइएगा कि नवाज शरीफ साहब भी हैं, उनकी हुकूमत भी है, फौरी तौर पर कोई खतरा भी नहीं है, आज सुप्रीम कोर्ट का एक अक्सरियती फैसले ने उनके बकौल उनको विंडिकेट भी कर दिया है, फिर भी आप लोग खुश हैं, आपको एतमाद है, आप अपने कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं, ये क्या वजह है इसकी? देखिए ये तो एक मजाकिया बात है जो इन्होंने कहना शुरू किया, स्पिन दे रहे हैं कि जी हमें विंडिकेट कर दिया, खुदा का खौफ करें, तीन पूरे जो जजेस हैं उन्होंने क्या आपको विंडिकेट किया, आप उनकी जजमेंट पढ़ें तो सही, और उन्होंने एक JIT बनाई है, तो जो आज खुशी का इजहार है वो सिर्फ ये है कि जी हमें 60 दिन की मोहलत मिल गई है कि नवाज शरीफ साहब 60 दिन के लिए और अभी नाअहल नहीं हुए। मगर ये मैं आपको बता दूं कि जिस तरह वर्डिंग है ऑर्डर की वो जरा गौर से पढ़ें, इन्होंने कहा है ऑर्डर में तमाम जजेस का ये कहना है, मैं खोता साहब और गुलजार साहब की बात बाद में करूँगा, तमाम जजेस का कहना ये है कि ये तमाम इन्होंने एविडेंस दिए वो काफ़ी नहीं थे, और इन्होंने JIT को कहा है कि एक एक चीज़ को वो प्रोब करके फाइनली उनको बताएं एविडेंस लेके कि जी क्या ये दुबई के पैसे थे तो वो जद्दा गए, कतर गए, इंग्लैंड गए, उसके बाद कहाँ से पैसे आए जो फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट में 2001 से डाले गए, वो कहाँ से पैसे आए जो कि वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल किए गए इनकी बिजनेसेस में, दुबई फैक्ट्री की लाइबिलिटीज कैसे पे की गई, ये तमाम सवाल वो थे जो हमने उठाए थे और इन्होंने आगे लेके गए। अब आगे लैंग्वेज सुने इस ऑर्डर की, इसमें लिखा हुआ है कि ये पता करें कि ये टेंडर एजेस पे जब बच्चे थे 90s में तो ये जायदादें कैसे खरीदी गई, ये ऑर्डर की लैंग्वेज बता रहा हूँ मैं आपको।
तो सर ये आप सही फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। फिर उसके साथ दो जज साहिबान का बड़ा डैमिंग ऑब्जर्वेशन और जो जजमेंट है वो भी है अपने साथ, बिल्कुल सही है। मगर ये फरमाइएगा कि इस एतमाद की क्या वजह है कि ये जो कमेटी है जो FIA पे और SECP पे और स्टेट बैंक के और सरकारी मुलाजमीन पे मुश्तमिल है, उसके पास एक तो इतनी आजादी, इतनी कुव्वत, इतनी ऑल ऑफ ए सडन वो इतनी भरपूर कैसे हो जाएगी कि इसी गवर्नमेंट को जिसको वो रिपोर्ट कर रही है उसके सरबरा को वो थ्रेड बेयर इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, फिर उनके पास ये स्किल और ये प्रोफेशनल नॉलेज और एक्सपोजर कैसे आएगा? क्योंकि जैसे कि आपने फरमाया इट नीड्स इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन, इट नीड्स ए थोरो प्रोफेशनल इंटरनेशनल ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, इंटरनेशनल ऑडिट, ये सब कुछ ये दो महीने में ये पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी पर इतना एतमाद, इसकी स्किल पर, इसकी आजादी पर, ये सादा हैरत की बात है जो आप लोगों को है। जी देखिए इसमें मुश्किलात बहुत हैं, बेहतर तो यही था कि नवाज शरीफ साहब को रिजाइन करें और ये अगर रिजाइन करवाया जाता और भी बेहतर था ताकि ये इन्फ्लुएंस ना कर सकें इस इन्वेस्टिगेटिंग टीम को। मगर दो बड़ी अहम बातें हैं कामरान साहब जो लोग मिस कर रहे हैं। एक बात ये कि तमाम केस में जब हम आते थे TV के सामने भी बर्डन ऑफ प्रूफ की बात होती थी कि जी बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे है, वो कहते नहीं बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो PTI के ऊपर है, आप प्रूफ करें। इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ कंक्लूसिवली इनके ऊपर चला गया, JIT इन्वेस्टिगेट करेगी, इनको बुलाएगी, हमारा काम खत्म हो गया यहां पे। अब उनकी बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर है कि वो प्रूफ करके दें कि ये बातें जो है ये सही नहीं है। नंबर 2, ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ लिमिटेड नहीं है उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, उन शवाहिद के ऊपर जो हमने प्रोड्यूस किए हैं। अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है और ऑर्डर में लिखा हुआ है कि जितनी भी पहले FIA के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ हैं, इन्वेस्टिगेशन हैं, उनको भी लें, जितनी NAB के पास पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं जितनी भी हैं उन तमाम चीजों को ले सकते हैं, उसके अलावा और भी चीजें हो वो भी इसको शामिल कर सकते हैं। जहां तक आपने कहा फॉरेंसिक ऑडिट, इंटरनेशनल ट्रेल, ये सब का काबिलियत इन महकमों में है। और अच्छी बात यह है कि MI और ISI भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। और जो हम समझते हैं कि इसकी एक सेविंग ग्रेस और ये है कि बाकी जो JITs हैं वो रिपोर्ट करती हैं हकूमत को, जैसे मॉरल टाउन की JIT की जो रिपोर्ट है, एक रिटायर्ड जज उसके सरबराह थे, उन्होंने हकूमत को रिपोर्ट भेज दी, हकूमत ने दबा दी, ये रिपोर्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। जो ये प्रेजेंट बेंच है ये इस तमाम लोगों की जो निशानदेही करेंगे, FIA से कौन आएगा क्या होगा वो ये अप्रूव करेंगे और उसके बाद इट विल बी रिपोर्टेड टू द बेंच और हर 15 दिन बाद उन्होंने एक रिपोर्ट देनी होगी। और आपने ये भी जजमेंट में पढ़े कि उसमें लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ कैन स्टैंड डिस्क्वालिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नॉट ओनली द फाइनल रिपोर्ट, आखिरी रिपोर्ट नहीं, इंटरिम रिपोर्ट के ऊपर भी अगर कोई ऐसी चीज आ गई तो ये नाहिल हो सकते हैं, वो रेफरेंस कर सकते हैं, मतलब वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेज सकते हैं, ये कहा, ये नहीं कहा कि वो हो जाएंगे, मतलब वो फर्दर एक और चीज, एक और एफर्ट है ना। अच्छा एक और चीज है जहांगीर साहब, ये बताइएगा कि ये जो आपका कॉन्फिडेंस है कि ये ब्यूरोक्रेसी और यही लोग जो हैं, ये तमाम लोग जो हैं, एक तो इनमें स्किल है और ये इसको इन्वेस्टिगेट कर लेंगे और ये आजाद रहेगी, और ये इसके बावजूद है कि पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में किसी कमीशन की, किसी JIT की, किसी कमेटी की, किसी चीज का कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। यू थिंक दिस इज गोइंग टू मेक अ हिस्ट्री एंड यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर दैट कि इस वक्त जो पाकिस्तान के 70 साल में नहीं हुआ, ये एडिशनल डायरेक्टर FIA की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है ये वो कर दिखाएगी और ये वजीर आजम को फारिग कर देगी। देखें यू आर बिल्कुल, आपकी बात सही है, बिल्कुल बजा है, ये रिस्क और ये प्रॉब्लम हैं। मगर आप ये चीज़ देखें कि यह ऐसी इस वक्त माहौल है मुल्क में कि दो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो अगला चीफ जस्टिस होंगे और उसके अगले चीफ जस्टिस होंगे खोता साहब और गुलजार साहब, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा डिक्लेयर कर दिया है कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि कतरी खत फ्रॉड है, उन्होंने बाकी जितनी चीज़ें की हैं वो पढ़ने वाली चीज़ें हैं। इस बहुत सीरियस बात है, नवाज शरीफ साहब को किसी और मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता ना, एक जज भी सुप्रीम कोर्ट का ये कह रहा था चाहे डिसेंटिंग नोट है या जैसा, उसको उसी वक्त लेकिन तरीन साहब आप लोगों ने भी कहा है, आज दूसरे लोगों ने भी कहा है, मगर पहली बार तो नहीं कहा है कि वजीर आजम नवाज शरीफ इस्तीफा दें। जब पैनामा का नाम आया आपने कहा वजीर आजम इस्तीफा दें, इसके अलावा भी मुख्तलिफ मौकों पर आप कहते रहे वजीर आजम को, वजीर आजम इस्तीफा दें, पीपल्स पार्टी भी कहती रही है, इससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब इस मुतालबे से क्या इसकी वर्थ है, क्यों क्यों आप सोच रहे हैं कि वो आपके इस मुतालबे पर इस्तीफा दे देंगे?
मुझे पता है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, वो किसी सूरत में भी, जब तक उनको जबरदस्ती नहीं निकाला जाएगा प्राइम मिनिस्टर हाउस से वो नहीं निकलेंगे। मगर हमारा फर्ज है कि हम जायज बात करें, हम हक की बात करें, और हम कर रहे हैं। और याद रखें, हम आवाम ये तमाम यहाँ तक हम लेके गए, जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा, हमने आवाम को मोबिलाइज किया, आवाम ने हमें सपोर्ट किया, आवाम हमारे साथ खड़ा रहा, उस वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हम आवाम में अभी भी रहेंगे, अगले दो महीने भी रहेंगे, और हम पूरा आवामी प्रेशर मेंटेन करेंगे इस GIT के ऊपर, और ये बंद कमरों में काम इनको नहीं करने देंगे। लेकिन साहब ये भी फरमा दीजिएगा कि ये जो अभी आपने कहा कि जब तक जबरदस्ती नहीं हटाया जाएगा, जोर से नहीं हटाया जाएगा, इसकी दो एफर्ट तो PTI ने भरपूर ओवर जबरदस्त एफर्ट कर ली। अब अगले इलेक्शंस का कॉल हो, इसमें 9-8 महीने बाकी है, आप एक और ऐसी एफर्ट करना चाहेंगे, या ये कि अब फोकस है 2018 का इलेक्शन, कि वो साफ सुथरा अच्छा इलेक्शन हो जाए और फिर एक ट्रांसफर ऑफ पावर थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स हो जाए प्रॉपर? देखिए, हम नवाज शरीफ को नाअहल करने से हुकूमत तो नहीं जाती, डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो चलता रहेगा। मुझे बहुत उम्मीद है, इंशाल्लाह ताला मुझे हतमी उम्मीद है कि ये JIT की रिपोर्ट के बाद ये इंशाल्लाह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बट PML नून एज अ पार्टी चलेगी, हुकूमत भी चलेगी, चल सकती है, तो ये कोई मसला नहीं है। मगर एक बार बताऊँ कमान साहब और मैं साहब, बाकी आपकी आपकी इस प्रोग्राम के थ्रू और लोगों से भी मैं कह रहा हूँ कि आप ये तो बात माने कि 4 साल क्या अजीम स्ट्रगल किया है इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इतनी जो 4 साल हम स्ट्रगल कर चुके हैं ना, तो हम 1 साल और भी स्ट्रगल कर लेंगे, और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगली इलेक्शन के लिए पूरी की पूरी भरपूर तैयारी से लड़ेंगे, और हम इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाने के ऊपर भी बाकायदा मुहिम चलाएंगे। हमने अपनी इलेक्शन रिफॉर्म की जो जरूरियात है वो हमने कमेटी में पेश कर दी है कि 4 साल के अंदर, पिछले 4 साल में PTI एक भरपूर मुसलमा पाकिस्तान की एक हिजब इख्तलाफ की बड़ी कुव्वत बन के आई है। चेक एंड बैलेंस के जो डेमोक्रेसी का एसेंस होता है उसका एक बड़ा आइकॉन है PTI, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जैसे आपने कहा, इसी आप कह रहे हैं कि हम इसी इस प्रेशर को बढ़ाते हुए 18 के इलेक्शन की तरफ जाएंगे और फिर फाइनल बेट होगी, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जहांगीर खान तरीन, भरपूर एतमाद है, भरपूर कॉन्फिडेंस है हुकूमती इदारों पर, ब्यूरोक्रेट्स पर, सरकारी कमेटी जो बनेगी इस मामले के हवाले से। लेकिन हमारा ख्याल ये है कि शायद इसका नतीजा ना निकले। इस कमेटी को जो काम दिया गया है, जो वक्त दिया गया है, जो इसकी स्किल्स हैं, जो इतना लंबा काम है, इस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इसलिए हम समझते हैं कि इसका कोई भरपूर नतीजा निकले शायद मुमकिन ना हो, कम से कम हमारा तजुर्बा ये बताता है। मगर इसमें हम माहिराना राय ले लेंगे एक छोटे से वक्त के बाद। पलामा केस के हवाले से फैसले में ये कहा गया है कि अब इन तमाम इल्जाम जो कि PTI की जानिब से और दूसरे फरीक़ैन की जानिब से लगाए गए वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ और उनके अहले खाना के गैर मुल्की असासों के हवाले से, इसकी तमाम तहकीकात अब JIT करेगी। अब JIT के हवाले से जब नाम आता है तो पाकिस्तानियों के जहन में कमीशन, कमेटीज़, और जब इस किस्म के मामला सामने आते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि इसका कोई मायनी खेज नतीजा नहीं निकलेगा, इसकी बुनियाद पर कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा। पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ है। आखिर वो क्या होगा इस दफ़ा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान JIT तश्कील दे रही है वो डिलीवर करेगी वो चीज़ जो कि 70 साल में इससे पहले नहीं की गई है, और वो भी वो JIT जिसके तमाम अहलकार हुकूमत के मुलाजिम हैं, बराह रास्त मुख्तलिफ वज़रा को रिपोर्ट करते हैं, और जिस जो कि बराह रास्त वज़ीर आज़म उसके लीड करते हैं, तहकीकात उनके खिलाफ करनी है। और फिर सबसे अहम बात यह है कि इसके लिए 60 दिन भी वो 60 दिन है जिसमें रमज़ान भी आने हैं, जिसमें ईद की छुट्टियां भी आनी हैं, और फिर उसके अलावा भी वो मामलात हैं जो कि पाकिस्तान में शायद ही कभी इस किस्म की इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हुई हो, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने टारगेट दिया है JIT को, वो पाकिस्तान की किसी भी तहकीकती इदारे के लिए या चंद अफराद के लिए उसको डिलीवर करना 40 दिन में 50 दिन में इम्पॉसिबल होगा, और वो भी फिर गैर मुल्की तहकीकात कैसे होगी, जवाब क्या आएंगे फरीकैन के, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये भी पता करें कि गल्फ स्टील मिल का क्याम कैसे अमल में आया, गल्फ स्टील मिल के वाजिबात का क्या बना, गल्फ स्टील मिल को क्यों बेचा गया, गल्फ स्टील मिल का पैसा जद्दा कतर और बरतानिया कैसे पहुंचा, 90 की दहाई में हसन हुसैन के पास क्या फ्लैट खरीदने के इतने वसाइल थे, क्या कतरी खतूत अफसाना है या हकीकत है, नेल्सन और डेस्कोल का हकीकी मालिक कौन है, ऑफशोर कंपनीज का मिल मेटल कैसे वजूद में आई, ऑफशोर कंपनियों के बैरर सर्टिफिकेट में से कैसे फ्लैट खरीद लिए गए, फ्लैगशिप कंपनी और लंदन में कारोबार के लिए पैसा कहां से आया, हुसैन नवाज ने अपने वालिद को करोड़ों रुपए तोहफे में कैसे दिए, हुसैन नवाज के पास तहाइफ देने के लिए सरमाया कहाँ से आया, और भी सवाल हैं, और इन तमाम सवालों के जवाब इस सरकारी तहकीकती
सलामती कमेटी ने देने हैं और 60 दिन के अंदर देने हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल होगी। इसीलिए GIT के हवाले से आज डॉक्टर ताहिरुल कादरी का एक दिलचस्प तज्जिया सामने आया है। GIT की शर्मनाक तारीख पाकिस्तान के और पाकिस्तानी अवाम के सामने है, उसने क्या निकाल पाना है। GIT में काम करने वाला हर शख्स वजीर आजम साहब के मातहत है, इनका मुलाजिम है। जो लोग इनके मातहत नहीं, अगर वो कुछ निकाल नहीं पाए तो GIT ने क्या निकालना है। ये एक कालक है जो ख्याल किया गया है कि जो वजीर आजम साहब को तहारत का सर्टिफिकेट देने के लिए जो कालक है वो GIT के मुंह पे मली जाए। अपना चेहरा बचाया उन्होंने, और मैं तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पहले रोज भर दिया था 3 बार, मैं उसी इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन को दोहरा रहा हूँ। इसी मसले पे बात करते हैं, हमें ज्वाइन कर रही है साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट मोहतरमा जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल। बहुत शुक्रिया जज साहब, फरमाइएगा, जब कोई कमीशन बनता है, कोई कमेटी बनती है, कोई GIT होती है, पाकिस्तानियों में 70 साल की तारीख की वजह से एक सस्पेशन होता है, उनको लगता है कि जी के अगर हमारे मुल्क में कोई सिस्टम किसी चीज़ को मट्टी पाना हो तो कमीशन बना दो, कमेटी बना दो, कोई तहकीकात का आगाज कर दो, कोई ट्रस्ट नहीं होता है। इसके बावजूद आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने यह रास्ता क्यों चुना? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास कोई और रास्ता नहीं था? जहाँ तक के फौजदारी मामलात होते हैं ना, उसमें द एक्यूज्ड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ, और उसमें जब तक इतनी एविडेंस भरपूर ना हो कि उसको कन्विक्ट किया जा सके, उसे बरी ही समझते हैं या मासूम समझते हैं। तो इसमें 3 जजों की तो ये राय थी कि इतना सबूत नहीं फराहम किया गया जिससे ये साबित हो सके कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो हैं वो वाकई ही किसी किस्म के क्राइम के रिस्पॉन्सिबल थे। तो ये कमीशन नहीं है ना, ये कमेटी है, ये तो इन्वेस्टिगेशन टीम है, यानी कि ये तहकीकाती टीम है, और इसमें नैब का भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, MI का, ISI का, SECP का। तो ये इन्होंने 7 दिन में तश्कील देनी है ये इन्वेस्टिगेशन टीम, और 60 दिनों में इन्होंने अपनी तफ्तीश मुकम्मल करनी है मॉनिटरिंग में सुप्रीम कोर्ट की। और मेरा ख्याल है शायद 2-3 हफ्ते में एक दफ़ा उन्होंने रिपोर्ट भी वहाँ देनी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस हतमी नतीजे पे आएगा कि ये बरी हो सकते हैं या ये मुजरिम गुजर जाने जा सकते हैं। मैडम, ये फरमाइएगा कि ये जो तहकीकाती कमेटी है इसके पास 60 रोज होंगे, और इसको बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करनी है, ऑफशोर कंपनीज को डिग करना है, मनी ट्रेल निकालना है, और इसके लिए इंटरनेशनल जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स से उनको डील करना होगा, और फिर बड़ी मुश्किल ही ऑफशोर कंपनीज की मालूमात वगैरह निकालना आपके इल्म में, ये बड़ा मुश्किल काम होता है 60 दिन के अंदर। इसमें रमज़ान भी है, ईद भी है, और ये हमारी जो हमारे लोग हैं उनके HR की जो स्किल्स हैं या जो रिसोर्सेज हैं, आपको नहीं लगता है कि 2 महीने के अंदर ये सब कुछ हो जाना एक मौजज़ा होगा? मैं समझती हूँ कि जहाँ पे इंसान का इरादा पुख्ता हो, वे दे इज़ अ विल दे इज़ अ वे, कहते हैं ढूंढे से तो खुदा भी मिल जाता है। तो अगर वाकई ये मुखलिस तौर पर इन्वेस्टिगेशन करें तो 60 दिन में नतीजा बरामद हो सकता है। ये अलबत्ता अलहदा बात है कि ये जितने भी इदारे हैं ये एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट के ताबे हैं, और एग्जेक्टिव ब्रांच का हेड तो प्राइम मिनिस्टर ही है ना। मैडम, ये भी तो एक मेरा अहम सवाल है ना कि अभी तो ये कमेटी के हम ये भूल गए, हमें ऐसा लग रहा है कि हम अचानक पाकिस्तान में नहीं है। हम ये समझ रहे हैं कि हमारे लोग इतने एक तो स्किल्ड हो गए हैं, इतने इंडिपेंडेंट हो गए हैं, इतने प्रोफेशनल हो गए कि इतना भरपूर और इतना धमाके खास केस ये 60 दिन में अनरेवल कर देंगे। फिर हमारे लोग इतने इंडिपेंडेंट हो गए हैं, ना उनको अपने मिनिस्टर की परवाह है, ना अपने DG की परवाह है, ना ये SEC वाले जो होंगे वो अपने कमिश्नर को देखेंगे, ना चेयरमैन को देखेंगे, ना स्टेट बैंक वाला अपने गवर्नर को देखेगा, ना ये जो हमारे FIA वाले साहब होंगे ये अपने FIA के डायरेक्टर जनरल को देखेंगे, ना मिनिस्टर को देखेंगे। ये सब आज़ाद हो जाएगा, ये एक नया पाकिस्तान बन जाएगा अचानक अगले 60 दिनों में, अगले 65 दिनों में। ये कैसे हम सोच रहे हैं ऐसा?
बस ये तो अंदाजे फिक्र जो है ये हमारे कोर्ट का है ना, और ये फैसला पर क्यूरियम है, चाहे दो डिसेंटिंग जजेस हों, जब एक दफा फैसला आ जाए तो वो तमाम अदालत का यकसा फैसला है और इस पे अमल होना ही पड़ेगा। अलबत्ता ये बात आपने सही फरमाई कि जब प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द एग्जेक्टिव हैं और ये तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एग्जेक्टिव के ताबे हैं, तो किस हद तक ये गैर जानिबदाराना तौर पर तहकीक कर पाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद भी तो इसको मॉनिटर कर रहा है ना, तो उम्मीद तो हमें यही करनी चाहिए कि ये नतीजा जो है ये दुरुस्त होगा और जिस तरह के तवक्कुआत हैं उसके मुताबिक इनको शहादतें फराहम हो जाएंगी। बट इट प्रॉमिसेस टू बी ए लॉन्ग हॉट समर फॉर दिस कंट्री। लॉन्ग हॉट समर नहीं मैडम, ये तो दो महीने की बात कर रहे हैं, इसमें रमजान भी है, इसमें ईद की छुट्टियां भी हैं, ये तो फिर अगले 15 दिन के अंदर इनको काम करना, वरना तो ये रोजे रमजान ईद वगैरह ये फिर ऑनेस्टली एज ए पाकिस्तानी विद दिस लिटिल एक्सपीरियंस, छोटा सा एक्सपीरियंस की बात पे मुझे यकीन नहीं आ रहा। आपके साथ में बिल्कुल इस उम्मीद में जरूर पेवस्ता होना चाहूंगा, पेवस्ता हूँ इस शजर से उम्मीदें बाहर रख के, मगर आपको वाकई लग रहा है मैडम प्लीज कि ये सब कुछ ऐसा हो जाएगा? है तो मुश्किल, लेकिन जैसे मैंने आगे अर्ज की, ढूंढे से तो खुदा भी मिल जाता है, तो रजा कराना तौर पे और मुखलिस तौर पे अगर ये हो सके तो फिर शायद इसका नतीजा वैसा हो जो सुप्रीम कोर्ट की तवक्को है। क्योंकि तीन जजेस का तो ये फैसला है ना कि इसमें हमारे पास एविडेंस कन्विक्शन के लिए काफी नहीं है, और जब तक ना हो तब तक जो मुल्जिम है वो बरी गर्दाना जाएगा। सो इसको उन्होंने फैक्चुअल नतीजे पे लाना जरूरी है। अलबत्ता ये है कि प्राइम मिनिस्टर का उनके सामने अपियर होना ये भी एक बात सोचने वाली है, और फिर उनके साहिबजादों का जो पाकिस्तान में रिहाइश पजीर भी नहीं है, ये तमाम चीजें हमने देखनी है। और मैडम ये यहाँ का कानून भी है ना कि हमारे मुल्क का कानून है कि अगर आप 6 महीने से ज्यादा मुल्क से बाहर रहे हैं तो आप टैक्स रिलेटेड एसेट रिलेटेड किसी सवाल के जवाब दे आप नहीं है। वजीर आजम के एक साहबजादे तो बरतानवी शहरी हैं, एक साहबजादे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, जब उनको बुलाया जाएगा तो सिंपल एक जवाब है ना कि आप पूछ ही नहीं सकते पाकिस्तान के कानून के तहत हमसे ये सवाल, इसके लिए कोई स्पेशल कानून तो नहीं बनाया सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो नहीं बनाया, आखिर उन्होंने कुछ सोच के ही ये फैसला सादर किया ना, तो अब कौम की तो तवक्कोआत यही है कि इस फैसले पे पूरे तौर पे अमल दरामद ये तमाम इदारे करेंगे, और ये 2.5 महीने में देखिए थोड़ी सी उसमें एक्सटेंशन भी हो सकती है, और फिर अदालत ने अपना फैसला भी तो सादर करना है। आगे भी ये फैसला जो था ये महफूज रहा 2 महीने के लिए, तो ये जब तमाम JIT के आ जाएंगे इनके पास, चलान ही समझे जाएगा फाइनली, उस पर भी तो ये सोच समझ के फिर फैसला करेंगे। और ये जो फैसला आज उन्होंने सादर किया है ये हतमी फैसला तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जज साहबा की मायने खेज मुस्कुराहट आपको कई सवालों के जवाब फराहम कर रही है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे कोई भी फैसला आया इस पर PTI भी खुश है, PMLN भी खुश है, हिजब इख्तलाफ खुश है, गवर्नमेंट खुश है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के कारोबारी हल्के और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट्स बहुत खुश हुई है, और आज उस पर तमाम रिकॉर्ड टूटे हैं, ये आपको बताते हैं छोटे से वक्फे के बाद।